बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह खैरियत से होंगे आप लोग। आज मैं रेसिपी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, बहुत ही मज़ेदार सा पाइनएप्पल केक, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हाफ कप मैदा है, 1/4 कप शुगर है, 1 एग है, 1/4 कप तेल है, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो पतीली लेंगे, जो आपकी एक्स्ट्रा पतीली हो, मतलब किसी काम की ना हो, वो कर लें। मैंने सिर्फ इसको अपना समझे ओवन बनाए हुए पतीली को मैंने, और देखिए कितनी साइड हो, कितनी ख़राब हो गई है सिर्फ ओवन की वजह से। मैंने सबसे पहले पतीली को प्रीहीट करने के लिए रख दिया, और इसमें मैं रखूँगा ये स्टैंड, और हम प्रीहीट करने के लिए छोड़ देंगे इसको और कवर कर देंगे। अब मैं सबसे पहले इसमें ऐड करूंगा, एक बाउल ले लिया, मैं इसमें ऐड करूंगा 1 अंडा, अब मैं इसमें ऐड करूंगा शुगर। अगर से आपके पास मशीन नहीं है फेंटने वाली तो आप इससे फेंट लें, हैंड बीटर से। अगर से मशीन है तो मशीन से फेंट लें, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट यही है आपका मेथड, किस बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को फेंटना है ये। अच्छा जी, अब मैं इसमें ऐड करूंगा तेल ऐड कर दूंगा। हम तेल को भी अच्छी जगह मिक्स कर लेंगे उसमें। देखें कितना ज़बरदस्त है ये फिट गया हमारा अंडा और चीनी और तेल। जितना ये अच्छा फिटेंगे इतना आप लोग, इतना ही आपको केक जो है सॉफ्ट बनेगा। एक बाउल ले लिया, उसमें छन्नी रखूंगा, उसमें ऐड करूंगा मैदा, अब उसमें ऐड करूंगा बेकिंग पाउडर, फिर उसमें ऐड करूंगा बेकिंग सोडा। हम तीनों को छान लेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, हमने मिक्स कर लिया। अब हम वही बैटर लेकर आएंगे अपना। हम इसमें 1/2 कप इसमें ऐड करेंगे, और कुछ तरह फोल्ड करते रहेंगे। जो आधा बचा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने लिया है 1/4 कप से भी आधा दूध, हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और उसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द और सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हमें 1/2 कप जो बचा रहा दूध ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, बिल्कुल लास्ट में हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस, हम इसको मिक्स कर लेंगे। जी, अब हम जो हमारे तैयार हो गए बैटर,
अब हम लेंगे एक ये फॉइल लेंगे, इसमें लेंगे थोड़ा सा ऑयल और अब हम इसमें ये फॉइल बॉक्स में जो है हम ब्रश से थोड़ा सा ये ग्रीस कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो अपना बैटर तैयार हुआ है ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा इसमें बैटर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, हमने इसमें सारा डाल दिया बैटर, थोड़ा सा खिसते इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि इसमें जो बबल्स ना बने और जो एक्स्ट्रा एयर हो सारी निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे स्टीम ओवन जो है, हमारा ओवन प्रीहीट हो गया, इसमें ऐड रखेंगे और अब हम 20 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे लो मीडियम फ्लेम पे। ये आप लोग कह रहे होंगे आवाज कैसे क्या आई, रोटी पक रही है। हमने एक कप क्रीम ले ली, इतने हमारा केक जो है बेक हो रहा है, इतने हमने एक कप क्रीम ले ली हम, इतने ये फुल चिल्ड क्रीम है हमारी ये। हम इसको विप कर लेंगे, अच्छी तरह विप कर लेंगे। अच्छा जी, देखें क्रीम कितनी जबरदस्ती से हमारी रेडी हो गई। अब हम रखते हैं इसको फ्रिज में ताकि जब हमारा केक रेडी होगा हम तभी इस पर आइसिंग करेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स, देखें जबरदस्त, हम टूट के देखेंगे देखें बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब केक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। देखें बिल्कुल क्लीन है हमारी टूथपिक है, क्लीन ले मैंने कहा टूथपिक और टूथपिक ले लें। अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर और फ्लेम कर देते हैं ऑफ। तो बाहर निकालिए, हम ठंडा होने का इंतजार करेंगे इसका। थोड़ा हाथ गर्म हो रही है। बिस्मिल्लाह, देखिए कितना जबरदस्त बना ये और कितना धुआं निकल रहा है इसमें से। देखिए माशाल्लाह कितना वो बना है, सॉफ्ट है, कितना बहुत गर्म हो रहा है वैसे। चलिए हम ठंडा होने का इंतजार करेंगे। अब इतने केक जो ठंडा हो रहा है हम इसको करते हैं साइड में इतने। अब हम लेते हैं एक पाइनएप्पल टीन, हम इसको खोल लेते हैं। इसमें लेमन हुई है, पाइनएप्पल का टीन खोल लिया। अब हम इसके जो अंदर पाइनएप्पल के पीस हैं वो बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं मुझे, तो मैं इसलिए छोटे छोटे पीस कर लूंगा इसके, पीसेस कर लिया इसके। अब हम चलते हैं आगे। अब मैं जो बीच में दो कर लूंगा केक के, इसमें लेमन होंगे। इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा इसको। दोनों हिस्सों में, अच्छा मैंने प्लेट उल्टी रखी है वाली, कहीं आप लोग ये मत समझिए गलती हो रही है मुझसे, मैंने प्लेट जानबूझ के उल्टी रखी है। अब हम जो पाइनएप्पल का सिरप इस पे ऐड कर देंगे। अच्छा जी, हम उसको कर दें साइड में। जो हमारी दूसरी प्लेट में एक दूसरा वाला साइड है, हम इस पर भी सारा ये जो पाइनएप्पल का जूस है ये इस पर ऐड कर देंगे सारा। अगर हम इस पर रख के ऐड करेंगे तो क्रीम में जो है पाइनएप्पल का जूस चला जाएगा और क्रीम जो है पानी छोड़ देगी,
इसलिए मैं इसमें कर रहा हूँ। हम दोबारा इस प्लेट को ले आते हैं। हम इस पर ऐड करेंगे क्रीम, और थोड़ा प्लेन कर लेंगे इसको। फिर मैं इस पर ऐड करूंगा पाइनएप्पल के पीसेस। अब हमने इसमें सेकंड वाला जो है वो भी रख देंगे पीस। हम इसमें भी क्रीम ऐड करेंगे। और फिर पूरी क्रीम हम बिछा देंगे। अच्छा जी, देखिए मैंने डिजाइन बनाया है, जो आप लोग का आसान लगे डिजाइन आप वो बना लें। अब हम इस पर फूल बना लेते हैं। आपको जो पसंद हो डिजाइन फूल का वो बनाते हैं हम लोग। चले जी, भी वहां रेडी हो गया। ओके व्यूअर्स, देखें मैंने कितना खूबसूरत सा पाइनएप्पल केक रेडी कर लिया। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, और ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कैसा बना है ये। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग तड़का किचन। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। So blue, mere piercing through. I can't forget that.